press the bell icon on the YouTube app to never miss a video from News Laundry. नमस्कार, ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा, आपकी चर्चा, हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा। आज चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान हैं सबा नकवी। सबा, आपका स्वागत है। धन्यवाद अतुल, थैंक यू सो मच। सबा सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कई सारे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम कर चुकी हैं। मेरे ख्याल से अभी स्वतंत्र पत्रकार के तौर पे काम करें, आप लोगों ने टेलीविजन पे भी देखा होगा सबा को। इसके अलावा हमारे इनहाउस जो हमारे साथी हैं मेघनाद, जो कि हमारे एसोसिएट एडिटर हैं, स्वागत है मेघनाद आपका भी। नमस्ते सर। नमस्ते। और साथ में शार्दुल, हमारे सह संपादक। हेलो, स्वागत है शार्दुल। शार्दुल हमसे भोपाल से जुड़ रहे हैं। हेलो। तो हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, उससे पहले जो विषय हैं उसके बारे में मेघनाथ को मैं हैंड ओवर करता हूं, जो भी विषय चर्चा में शामिल होने। मेघनाथ एक बार आप श्रोताओं से उसको। दो बड़ी वायलेंस की घटनाएं हुई लास्ट वीक। एक तो बैंगलोर में मॉब वायलेंस हो गया, किसी एमएलए के रिलेटिव ने एक फेसबुक पे प्रॉफिट मोहम्मद के अगेंस्ट पोस्ट डाला, उसकी वजह से एक क्राउड कुछ 110 लोगों का स्टोन थ्रोइंग और असॉल्ट करने लगा। उसमें 13 लोगों की मौत हो गई है और कुछ 50 पुलिस अफसर को इंजरी भी है। तो इस पे भी चर्चा करेंगे। और उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 3 कैरावैन रिपोर्टर्स पर हमला किया गया। इसके हमने डिटेल में रिपोर्टिंग भी किया है न्यूज लॉन्ड्री पे, वो आप पढ़ सकते हैं। वो हम डिटेल में समझाएंगे थोड़ा सा बाद में। वो एक्चुअली एक फीमेल जर्नलिस्ट को भी सेक्सुअली असॉल्ट किया गया, हरास किया गया एक्चुअली। Right. और दो मेल जर्नलिस्ट को, एक मुस्लिम और एक हिंदू को भी बहुत मारा गया। तो उस पर चर्चा करेंगे। जर्नलिज्म के हाल खराब है। उसके अलावा सचिन पायलट ने अभी दोस्ती बना ली है गांधी परिवार से और कांग्रेस से, दोस्ती बनाई रखी है। और बेसिकली एक महीने पहले जो उन्होंने रेबेलियन किया था, उसके बाद जो भी ड्रामा हुआ, पर अब वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मिल चुके हैं और फिर उनका कुछ कॉम्प्रोमाइज हुआ है या फिर कुछ डिस्कशन हुआ है, वो हमको पता नहीं है अभी एग्जैक्टली क्या डिसाइड हुआ है। पर वो अभी शांत हो गए, तो राजस्थान की गवर्नमेंट बच गई। और एक वो लेबनान में जो ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद उधर की गवर्नमेंट ने रिजाइन कर लिया है, क्योंकि बहुत ही मतलब कैटास्ट्रोफिक इवेंट था वो। और अभी खबर आ रही है कि कुछ 170 लोग उसमें मारे गए हैं और इंजरीज भी बहुत ज्यादा है, तो वो और लोग मरते जा रहे हैं, तो उसकी वजह से बहुत बड़ा क्राइसिस का सिचुएशन हो गया है। एक अयोध्या का भी एक खबर आई है, कल आई थी, कि वहां के जो पुजारी थे, जिन्होंने जो स्टेज पर थे, मोदी जी और योगी और योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत के साथ, वो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं और उन्होंने मास्क भी नहीं पहना था। ये प्रोटोकॉल के हिसाब से जो भी स्टेज पे था उनको अभी आइसोलेट करना चाहिए ना? नहीं, जरूरत नहीं पड़ेगी। I mean, contact tracing भूल गए शायद सब। नहीं, वो असल में जो रिपोर्ट आई थी अयोध्या से, उसमें ये था कि the people who were given entry, जिन लोगों को एंट्री दी गई थी, उन सबकी पहले पॉजिटिव रिपोर्ट ली गई, मतलब कोविड नेगेटिव जब तक रिपोर्ट नहीं थी 175 लोगों की, उसके बाद ही उन्हें आने दिया, तो उसके बाद ही ये इन्फेक्ट हुए हैं। मथुरा का कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव खतरे में है और विश्व हिंदू परिषद की जो प्रांत की बैठक थी ब्रज प्रांत। अच्छा, ये इनसाइटफुल। दो और खबरें एक अतुल सर बताएंगे, पर एक और खबर ये है कि एयर इंडिया का एक प्लेन 2 टुकड़ों में बट गया लैंड करते करते और 18 लोगों की मौत हो गई है।
इसमें 190 लोग ऑन बोर्ड थे. केरला में ये कालीकट में ये घटना हुई और 123 लोग इंजर्ड भी हैं. और सर आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? नहीं, बस इसमें एक बहुत मशहूर शायर हमारे समय के थे, राहत इंदौरी साहब, उनका इंतकाल हो गया कोविड से हुआ, तो उनके बारे में भी थोड़े बहुत हम चाहेंगे कि अगर बातचीत होगी, समय रहेगा तो उनके बारे में भी चर्चा करेंगे. मेरे ख्याल से सबसे पहले जो राजस्थान का घटनाक्रम है उस पर चर्चा करते हैं, क्योंकि आज वहां पर कॉन्फिडेंस मोशन ला रही है गहलोत सरकार, और उसके जवाब में बीजेपी ने अनाउंस किया है कि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएंगे. पर अभी तो ऐसा लग रहा है कि सरकार बच गई सभा. जी जी, अतुल लग तो यही रहा है, क्योंकि मेरे ख्याल से सचिन के सामने ज्यादा ऑप्शंस थे ही नहीं. और शुरू से मुझे ये लगा है, लोग कह रहे थे कि ये सचिन पायलट का रिबेलियन था, लेकिन मुझे लगा कि ये इसमें बहुत बड़ा हाथ अशोक गहलोत का भी था. वो इनको डिसएम्पावर करना चाह रहे थे, वो इनका जो भी इन्फ्लुएंस था राजस्थान में उसको कम करना चाह रहे थे. और क्योंकि अगर वो सेडिशन चार्जेस नहीं लाते सचिन के खिलाफ, ये पूरा मामला जब अनप्रिपेयर्ड थे सचिन पायलट, मतलब वो तैयारी भी नहीं थी क्योंकि वो कुछ कर पाए, और अनप्रिपेयर्ड उन्होंने ये सब किया. और बस अब ठीक है, अब चलिए, अब अच्छी बात है कि राहुल गांधी ने एक साल के बाद कोई इनिशिएटिव लिया है. राइट, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज है. सभा उसने और इनिशिएटिव भी लिए हैं, जैसे वो यूट्यूब वीडियोस बना रहे हैं. अरे एक मजे की बात ये है कि मैं कुछ लोगों की क्रिटिसिज्म देख रहा था, कोई एक यूट्यूबर है, उसने राहुल गांधी का वो वीडियो का क्रिटिसिज्म किया. उसका पहला क्रिटिसिज्म ये था कि कैमरे की तरफ क्यों नहीं देख रहे हो, किसके तरफ देख रहे हो, बाजू में कौन है आपके. तो लेकिन एक लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जैसे टॉप फैमिली का जो रवैया रहा सचिन के मामले के सामने आने के बाद, वो एक बड़े चेंज की, बड़े बदलाव की तरफ इशारा है. जैसे हमारे सामने अनगिनत उदाहरण है, हम अगर देखना चाहें तो हिमंता विश्व शर्मा का मामला आया, जगन मोहन का मामला आया, तो टॉप फैमिली के अंदर वो फ्लेक्सिबिलिटी कभी नहीं दिखी. इनफैक्ट ये माना जाता है कि कई बार उन्होंने मुसीबतें खुद बुलाई हैं जिसको वो बहुत आसानी से टाल सकते थे. तो ये माना जाए कि इस पूरी पॉलिटिक्स में जो बदलाव आया है अभी हमारे सामने, चाहे वो मोदी जी की लोकप्रियता से आया हो या मतलब कांग्रेस पार्टी एकदम हाशिए पर चली गई है उससे आया हो, लेकिन वो जो ईगो की एक बात थी टॉप फैमिली में, वो खत्म कम हुई है या उसमें कुछ कमी आई है? अतुल ये ईगो की बात है कि इनकॉम्पिटेंस की बात है, मुझे समझ नहीं आया. अगर आप हिमंता बिस्वा शर्मा का आपने मेंशन किया, उनके जाने से जो नुकसान कांग्रेस को हुआ है, अभी तक तो सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस को उस नेता के जाने से हुआ है जो मेरी समझ में, क्योंकि भाजपा नॉर्थ ईस्ट इंडिया में थी ही नहीं उसका प्रेजेंस. और हिमंता जो है वो बहुत ही स्ट्रेटेजिक, बहुत श्रूड, बहुत रूथलेस, बहुत अनस्क्रूपलेस, बहुत एंटरटेनिंग शख्स है. उनकी पर्सनालिटी ऐसी है. अब उनका जो आप बयान सुनिए, पब्लिकली वो कह चुके हैं कि वो बहुत बार, वो तरुण गोगोई जो 3 टर्म मुख्यमंत्री थे असम के, कांग्रेस के मुख्यमंत्री, हिमंता उनके राइट हैंड मैन थे. ये क्राइसिस इसलिए एकदम से उभर के आए क्योंकि तरुण गोगोई अपने बेटे गौरव गोगोई को ग्रूम करने लगे. इस बीच जब हिमंता का एक ग्रुप बना और वो रिबेल करने लगा, और वो कहते हैं, उन्होंने बहुत बार कह चुके हैं लेकिन मैं फिर से उनके जो वर्ड्स हैं वो दोहराती हूँ क्योंकि काफी एंटरटेनिंग भी है, कि बहुत दिनों तक उन्होंने इंतजार किया कि राहुल गांधी से एक मीटिंग हो, और जब राहुल गांधी मिले उन्होंने कुछ कहा नहीं और उनके सामने बिस्किट रखा, और जब हिमंता ने नहीं खाया बिस्किट और वो उन्होंने इंतजार किया कि राहुल गांधी कुछ राय दे, कुछ सलाह दे, उस बीच में राहुल गांधी के कुत्ते आए और उन्होंने वो बिस्किट खा लिया. सच में ये है किसी भी जमीनी नेता के लिए बहुत शेमफुल स्थिति है ना, कि अगर आपके अंदर थोड़ा भी स्पाइन है तो आप ऐसे किसी लीडर के साथ कैसे काम कर सकते हैं.
तो उन्होंने कहा कि उनकी बेइज्जती हुई और जो बिस्किट उनके लिए रखे गए वो उन्होंने राहुल गांधी ने अपने कुत्तों को खिलाए। ये हेमंता का बयान है। हाँ, ये पब्लिकली कह चुके हैं, बता चुके हैं। और मतलब मैं भी उनसे मिली थी, मैं जानती हूँ उन्हें। ये उनका बयान रहा कि वो उनको बेइज्जत किया गया। अब उनका देखिए क्या क्या उन्होंने पूरा नॉर्थ ईस्ट स्टार्ट कर दिया, हाथ से निकल गया एक तरह से। अगर अगर यही कुत्ते के बिस्किट खाने वाली बात है, मैंने 2 हफ्ते पहले कुत्ता अडॉप्ट किया और वो तो मेरे टेबल से बहुत कुछ खा जाता है। बहुत इंसल्टेड लग रहा है अभी मुझे कि बहुत सारा बहुत हर्ट हो रहा है। नहीं, लेकिन किसी को सामने बिठा के मत करना, नहीं तो सही में हर्ट हो जाएगा। तो अच्छा, इसका मेघनाथ मैं आपसे जानना चाह रहा था कि सचिन पायलट के बारे में कहा जा रहा है कि न माया मिली न राम, मतलब बहुत सारे कहावतें हैं इस तरह के मामलों में कि धोबी का गधा न घर का न घाट का, न माया मिली न राम। तो क्या कहा जाए, मतलब एक तो सभा ने बहुत एक नया पर्सपेक्टिव रखा कि एक्चुअली ये ऑफ गार्ड पकड़ लिया अशोक गहलोत ने उनको, और एक तरह से जो एक बड़ी बगावत हो सकती थी उसको समय रहते उन्होंने कट टू साइज कर दिया। आई थिंक गहलोत, अशोक गहलोत के एक कॉम्पिटेंस का भी एक इशारा है, क्योंकि सचिन पायलट कुछ भी बोलो वो आई थिंक एग्जिट हुए थे ये सोच के कि अभी गवर्नमेंट गिर जाएगी, फिर उनको मे बी शायद वो पार्टी चेंज कर लेंगे या फिर नहीं भी करेंगे, अपनी पार्टी शुरू करेंगे। शुरुआत से ही बोल रहे थे कि बीजेपी के फेवर में नहीं है, लेकिन आपने अगर सुप्रीम कोर्ट के केसेस फॉलो किए होंगे तो अटॉर्नी जनरल जो थे वो उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे, और फिर मुकुल रोहतगी भी थे, और काफी जो बीजेपी के लॉयर्स बोले जाते हैं वो उनको रिप्रेजेंट भी कर रहे थे। तो ये मुझे उनके सारे लोग हरियाणा में बीजेपी रूल गवर्नमेंट में रुके हुए थे जी। तो ये मुझे एक बहुत प्रश्न चिन्ह मेरे सामने खड़ा हो गया कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, अगर आप बोल रहे हो कि बीजेपी के लिए आपका कुछ लेना देना नहीं है तो फिर ये क्या हो रहा है एग्जैक्टली। वो एक है। दूसरा एक है कि आई थिंक सभा ने ऑलरेडी बोल दिया है कि सचिन का बेसिकली उन्होंने एग्जिट किया और फिर जो गवर्नमेंट गिरी नहीं और फिर गहलोत जी ने वो संवार लिया, तो उनको ये देखने लगा कि मेरा यहाँ पे कुछ चलने वाला है नहीं। अगर बेसिकली अभी एग्जिट कर दिए और फिर गहलोत की गवर्नमेंट बच गई तो उनको तो कुछ मिलने वाला भी है नहीं, तो फिर उनका पॉलिटिकल जो करियर है वो खतरे में पड़ गया था। तो ऐसे ऐसे मुझे लगता है कि उन्होंने फिर सोच समझ के विचार किया कि नहीं नहीं चलो ट्रूस कर लेते हैं टाइप्स, क्योंकि एक महीने बाद वो राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा से मिले, तो ये एक बहुत बड़ा इशारा है कि उनका जो सॉर्ट ऑफ क्योंकि मैं जब पार्लियामेंट में काम कर रहा था तो एक ऐसे यंग एमपीज का ग्रुप और एक एल्डर एमपीज का ग्रुप ऐसे बहुत डिस्टिंग्विश्ड था। आई थिंक सभा को भी पता मार्केट गेन टाइप ग्रुप। हाँ, तो ये इनका तो ये सचिन पायलट और गौरव गोगोई और एक्सेट्रा ये सब यंग ग्रुप में थे और इनका नेतृत्व राहुल गांधी करते थे, और ओल्ड गार्ड का सोनिया गांधी का ग्रुप था। आई थिंक व्हाट्सएप ग्रुप्स भी होंगे अलग अलग। तो इनका ना ऐसे पूरा डिस्टिंक्शन दिख ही जाता था। तो राहुल गांधी के कुछ करीबी लोग थे, कुछ दोस्त भी थे, डायनेस्टी की थे सबके सब, बट दोस्त ही थे वो, उनके साथ रहते थे, उनके साथ थोड़ा सा पोलिटिकल मतलब ऑब्वियसली सपोर्ट मिलता था उनका। अब ऐसे दिखाई दे रहा है कि जब इनकी बारी आई, जैसे सिंधिया है, जैसे पायलट है, इनकी जब करियर ग्रोथ की बारी आई तब उनको लगा कि अरे अब राहुल गांधी से चिपक के कुछ नहीं होने वाला, अब हमको खुद का कुछ देखना पड़ेगा, अब कुछ कुछ करना पड़ेगा। तो आई थिंक सब लोग छटपट करके कुछ ना कुछ करते जा रहे हैं। इसमें एक मेरा शार्दुल, आपका क्या नतीजा है इस पे जो सचिन पायलट की वापसी हुई है? देखिए, एक तो मुझे लगता है कि ये लोग कह रहे थे शतरंज का खेल है, मुझे तो लग रहा था पोकर का खेल है। कौन सा खेल है? पोकर का। ओके। और मतलब ये पोकर की चाल शुरू हुई और हारने के बाद डीलर ने हारे हुए व्यक्ति को फोल्ड करने का मौका दे दिया। ये हुआ है सचिन पायलट के साथ। और जो मेघनाथ अभी कह रहे थे ना कि खतरे में थी, मुझे तो लगता है अभी भी खतरे में है और वो है। अगर आप राजनीति समझते हैं तो आज की डेट में सचिन पायलट के पास कुछ खास बचा हुआ नहीं है। उनकी कोई इज्जत नहीं है जिस पार्टी में वो हैं, उनके खास कोटरी वाले लोगों के अलावा।
और लोग ताने दे दे के उनको पानी पिला पिला के मारेंगे उन्हें। अब बिल्कुल ग्राउंड वर्कर कैसे ऊपर उठता है उन्हें समझना पड़ेगा, एक हद तक, पूरी तरह तो नहीं, उनका नाम अभी भी चलेगा। और मजे की बात यह है कि जो पायलट के समर्थक शिवेंद्र सिंह हैं वो कह रहे थे कि गहलोत के शब्द जो थे जो उन्होंने कहा था नकारा और निकम्मा, एक तो नकारा और निकम्मा से गहलोत अब फॉरगेट एंड फॉरगिव पे आ गए हैं, ये नया जुमला है उनका। शिवेंद्र सिंह कह रहे थे ये शब्द दुर्भाग्यपूर्ण थे। पायलट ने भी कहा कि नहीं मैं कहता तो मैं तो वापस ले लेता। तो गहलोत गुट के एक विधायक है, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, उन्होंने कहा कि उनके गुट वाले गहलोत गुट वाले विधायक तो दूध हैं और पायलट वाले पानी हैं, तो दूध में पानी मिल गया। तो ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। ठीक बात। और ये सब प्रकरण देखने के बाद मुझे सही में लगा कि राजनीति ना एक वैम्पायर है हमारे देश में, क्यों ये खून पी रही है सबका। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस पायलट प्रकरण के चक्कर में एक महीने में कितने लोगों की जिंदगी से जुड़े इशू पे फोकस होना रह गया। बिल्कुल। और ये कथा अभी खत्म नहीं हुई, ये चलती रहेगी। और जो एक और बात कही ना कि अपना टाइम आ गया, राहुल गांधी के साथ नहीं मिला, ये तो उनका नजरिया है टाइम आ गया। अब जो ऊपर पावर में उन्हें नहीं लगता टाइम आया है तो तुम बैठे रहो। न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट स्टिचर, आईट्यून्स और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं। खबरों को विज्ञापन के दबाव से आजाद रखें, न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।